वेलकम, आप सबका स्वागत है। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखना फ्रेंड्स, नहा धो लिया है और पूजा पाठ भी कर लिया है और अब बनाते हैं हम अपने लिए चाय। चाय बनाएंगे हम अपने माओ के स्टाइल में, गुड़ की चाय। आजकल ठंड है, गुड़ की चाय अच्छी होती है। देखना फ्रेंड्स, आयुष भी उठ चुका है और इसके लिए दूध गर्म करती हूँ। हमने चाय बना लिया है और चाय बनाया है हमने अपने कुमाऊं स्टाइल में, गुड़ वाली चाय। और आजकल सर्दियों में गुड़ वाली चाय काफ़ी अच्छी होती है। देखिए फ्रेंड्स, हम पहले से है पहले चाय। अब बनाते हैं बच्चों के लिए नाश्ता और नाश्ता में बनाते हैं बच्चों के लिए ब्रेड पकौड़ा। फटाफट करते हैं तैयारी। उबले हुए आलू को हमने अच्छे से इसका मसाला बना लिया है और इसमें केचप लगा लिया है और अब इसमें हम मसाले भरेंगे, इसके अंदर भर लेते हैं और उसके बाद इसको बीच में से कट लगाएंगे हम। इसको हम इस तरीके से दो पीस कर लेंगे और अब इसको बेसन में हमने चारों तरफ से डुबा लिया है और अब इसको हम डाल देते हैं कढ़ाई में। ब्रेड पकौड़ा हमारे रेडी हो चुके हैं, हमारे ब्रेड पकौड़ा तैयार। देखना फ्रेंड्स, आलू का बिल्कुल पता नहीं कहाँ चला गया, ढूंढते परेशान हो गई हूँ। बेटा जा रहा है बाहर स्कूल के लिए, वो अभी पीछे से निकल गया है और पता नहीं कहाँ चला गया, तब से मिल ही नहीं रहा है। मेरी फ्रेंड से मिल गई, हमारी बिल्ली नाली में घुसी थी, इसने मुझे आज बहुत परेशान किया। कहाँ उधर देखना फ्रेंड से मिल गई है, किसने इसके ऊपर पानी गिरा रखा है और इसके पैर देखो पता नहीं कहाँ नाली में घुस गई थी। फ्रेंड से मिल गई है मेरी बिल्ली। अभी मत खोलिए, कीचड़ से चली जाएगी अंदर, अभी मुझे इसको नहलाना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से मिली है, डर रही है बहुत ज्यादा। एक घंटे से मेरी बिल्ली खोई थी और मैं बाहर गई, इसको कहाँ कहाँ गड्ढे में ढूंढा और ये मिल गई। देखना फ्रेंड्स, इसकी किस्मत अच्छी थी, ये मिल गई। नहीं तो वहाँ कुत्ते थे और एक जगह खड़े होके भाग भी नहीं रही थी, इसको आज कुत्ते खा जाते अगर मैं थोड़ी भी देर करती। और मैं इसके लिए थोड़ी पानी गर्म करती हूँ, इसको नहलाती हूँ। इसके पैर नाली में डूब रखे हैं, बहुत ही गंदे हो रखे हैं, ये बिस्तर में ऐसे चढ़ती हैं। इसको फटाफट नहला लेते हैं पहले। बेटा बिल्लू को मत लाना यहाँ क्योंकि वो बहुत ही गंदा हो रहा है। देखना फ्रेंड्स, मैं पानी गर्म कर लेती हूँ और फिर बिल्लू को नहलाती हूँ। देखना फ्रेंड्स, पाल रखा है तो इसको वैसे भी नहीं छोड़ सकती हूँ, बेजुबान जानवर है, पूरा गंदा हो रखा है। इसको नहला धो ला के साफ कर देते हैं। और ये वैसे भी बिल्लू नीचे रहती नहीं है, मेरे बच्चों के साथ ही रहती है, इसलिए साफ होना इसको ज़रूरी है। देखना फ्रेंड्स, हमने इसको नहला दिया है और बिल्लू बन गया है साफ सुथरा। चल बिल्लू, अब चले जाए तो धूप से आपने लग गया है। अब नाली में से आया तो नहाना तो पड़ेगा ना इसको, बैठ जा। देखना फ्रेंड्स, बिल्लू ने भी नहा धो के खूब धूप सेक लिया है और हमने भी सेक लिया है साथ साथ। और अब ले जा रहे हैं इसको नीचे, अब मुझे खाना बनाना है। अभी मेरे बच्चे आ जाएंगे स्कूल से। माँ परेशान किया है इसने आज मुझे, बहुत थका रखा है। चल बिल्लू, खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, चलो चलो चलो। कोई बात नहीं बेटा, लेट हमारे वहां तो है लेट। आयुष आराम से बंद कर बेटा, चलो चलो चलो। बिल्लू है मेरा भाई, अब छोड़ दे बेटा इसको, थोड़ी देर खेलने दे। देखना फ्रेंड्स, आज हमने खाने में बनाए हैं करी चावल। और हेलो फ्रेंड्स, अभी शाम के बज गए हैं 7:15 और हम छत में बैठ के आग सेक रहे हैं। यहाँ पर देखना फ्रेंड्स, यहाँ बैठ रखे हैं और छत में सब्जी भी यहीं से काटते हैं, तोड़ते भी यहीं से हैं अपने छत। देखना फ्रेंड्स, अपने छत में लगाने का इतना फ़ायदा होता है, कभी भी हम तोड़ सकते हैं इसमें से। प्याज बहुत सारी सब्जियां उगा रखी है यहाँ पर, वो भी इतनी फ्रेश सब्जी है। ये छत में से तोड़ के और ले आई थोड़ी। अरे मैं है क्यों नहीं यार, ये बिस्तर में चटको नहीं हुए हैं वो है ना, मच्छर बिस्तर में बिच्छू है। हमने सब्जी काट लिया है और थोड़ी देर आग सेकते हैं, उसके बाद जाते हैं पूरा बोलना सब्जी बनाऊंगी। ओहो, इन्हें पूरा बोल, क्या बोलते हैं? पीएन
चल बेटा हम जा रहे हैं अब नीचे। चल आराम आराम से जा रहे, गिर जाएगा। आयुष का भी अच्छा रखा है, बिल्लू का भी खुश हो रखा है, बिल्लू जब से आयुष आया है। एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। खुश है आजकल तेरे को देख के, एक दोस्त मिल गया कह रहा है। चला गया। 8 बज चुके हैं और अब आ गए हैं हम नीचे। अब बनाते हैं सब्जी और ब्लॉग को हम एंड करने जा रहे हैं। अगर ये ब्लॉग आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू।